师傅。 अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। मैं भी बिल्कुल खैरी से हूँ। और आज रात हम आए हैं कैंट स्टेशन कराची में, और यहाँ का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा बना दिया है। ये भी नया एक होटल खुल गया, रेस्टोरेंट यहाँ पर, ये जो भी पीछे गया है आप देख सकते हैं। और आगे मैं आपको कराची कैंट का व्यू दिखा रही हूँ। रात का टाइम है तो रश भी नहीं था और काफ़ी बहुत कम लोग थे। और यहाँ पर एक कैफ़े बना हुआ है तो जिसको जो कि मतलब इन्होंने ट्रेन के डब्बे में ही, मतलब ट्रेन का जो होता है एक्सपायर होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, तो उसको उन्होंने एक नया न्यू लुक दिया है, कैफ़े में बदल दिया है। तो यहाँ से अभी हम अंदर गए थे, अंदर की तरफ से ये यहाँ पर बन गया मुसाफिर खाना, जो कि बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। और कुछ ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, ये बाहर रहमान बाबा ट्रेन है, जिनको कैंट के बारे में मालूमात होगी उनको पता होगा कि वो यहाँ से ट्रेन जाती है। एक स्टेशन ये छोटा इन्होंने ये बनाया हुआ, और अंदर वो फुल बड़ा स्टेशन है। और यहाँ से हम जब बाहर की तरफ आते हैं या अंदर की तरफ जाते हैं तो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ पड़ता है ये वाला कैफ़े ना, तो जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, विज़िट करवाऊंगी। और ये जो है रिजर्वेशन ऑफिस है, यहाँ से सारे टिकट वगैरह बुक किए जाते हैं। और ये छोटा वाला जो मैं आपको स्टेशन दिखा रही हूँ, ये छोटा स्टेशन है और ये मुसाफिर खाना है। रात का टाइम था तो मैंने जूम करा है काफ़ी, ये भी न्यू बना है और बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, क्योंकि कैंट पर एक यही मसला होता था, अभी ट्रेनें लेट बहुत हो जाती हैं, अक्सर गर्मियों में यही होता है तो बाहर ऐसे ही बैठना पड़ता था। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बना दिया है इन्होंने, तो ये अच्छा किया आवाम के लिए इन्होंने। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने उल्टे हाथ पे, हम जब अंदर जाते हैं तो उल्टे हाथ पे ही, और बाहर आते हैं तो उल्टी साइड पे ही, मतलब उल्टे हाथ पे ही आपको मिल जाएगा। जैसे ही घुसेंगे आप, अंदर दाखिल होंगे, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखें जंपिंग रख दी है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले कैफ़े था खाली, ये ट्रेन की बोगी में कह सकते हैं कि कैफ़े इन्होंने बनाया हुआ था। अंदर एसी वगैरह लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा अंदर का निज़ाम किया हुआ है। लेकिन अब जो है ना, यहाँ पर इन्होंने ये भी रख दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी की हुई है। और लोगों ने यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, दरअसल ये लोग यहाँ पर बैठे इंजॉय कर रहे थे, जिनके बच्चे थे वो भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे अपने और बड़े अपने बैठ के इंजॉय कर रहे थे। ये जंपिंग लग यहाँ पर रखी हुई थी, तो ये हमारे बच्चे भी यहाँ पर जंपिंग करना स्टार्ट हो गए थे। और बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट है, लेकिन एक चीज़ है महंगाई के हिसाब से भी, और वैसे चले महंगाई के हिसाब से होना चाहिए महंगा, हर चीज़ का टिकट भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जब आप किसी के लिए, लोगों के लिए आसानी कर रहे हैं तो फिर टिकट्स वगैरह में और रेट्स में भी थोड़ी सी आसानी करनी चाहिए। यहाँ की चाय जो है ना, सिर्फ वो 50 या 60 रुपए की चाय थी, पराठा यहाँ पर 50 या 60 रुपए का एक पराठा, तो हर कोई ये अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना, जाहिर सी बात है हर कोई अपने, और आजकल की महंगाई के ज़माने में कोई इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने बस यहाँ पर सिंपल बच्चों को झूले वही है, मतलब झूलों में ही जंपिंग थी, हमने जंपिंग करवाई। और बाकी ये चार्जिंग वाली गाड़ियाँ हैं, इनका एक राउंड है, ये छोटा सा एरिया है, बस इसके अंदर ही अंदर एक राउंड सिर्फ, वहाँ उस कोने से इस कोने तक जंपिंग तक, सामने से जंपिंग तक 100 रुपीज़ में, वो सामने आप देख रहे हैं उस कोने से इस कोने तक, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है। और या तो आप इसी प्राइस में थोड़ा सा टाइमिंग इनको बढ़ानी चाहिए, और जंपिंग का भी यही है कि जंपिंग की भी टाइमिंग कम है और पैसे ज़्यादा हैं। टाइमिंग ज़्यादा कर दें तो चलें, पैसे इतने नहीं हैं, थोड़ी सी टाइमिंग और कर दें, ज़ाहिर बात है जितनी देर में फैमिली बैठ के खाएगी उतनी देर में भी ये नहीं खेलने दे रहे बच्चों को, तो ये तो गलत है। ये अंदर हम आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप टेबल वगैरह, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ज़रूरी नहीं आप अंदर जो ये नज़र आ रहा है आपको, देखें एसी लगा हुआ है इसके अंदर, बोगी के अंदर एसी है, सब कुछ है,
ये एसी बोगी है और यहाँ बाहर बैठ के भी आप लोग बाहर भी आके यहाँ पे बैठ के सिटिंग एरिया भी है, चेयर वगैरह भी है, ये गोल तकिया और ये तख्त वगैरह भी रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा लोग हों और सब हों तो फिर काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब देखा जाए ऐसी चीज़ें अगर हैं तो उनमें थोड़ी सी रेट्स में भी कमी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोगों का क्या राय है? यहाँ आफान ने भी बहुत इंजॉय किया और लाइटिंग ही लाइटिंग थी तो, और यहाँ पर जी ये इन्होंने लगाया हुआ है, देख सकते हैं इसमें जो है सब जगह के टिकट्स वगैरह बुक कहाँ कहाँ के बुक हो सकते हैं, ये सब कुछ रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर का मैं आपको दिखा रही थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये शेयरिंग? कराची का कैंट स्टेशन है ये, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, दुआओं में भी याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है मेरा चैनल रन करे और मुझे भी फ़ायदा हो। दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।